पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और उनके करीबी आर्किटेक्ट विनोद सिंह के बीच व्हाट्सएप चैट ने झारखंड की राजनीति में बीजेपी को बल देने का काम किया है। इसे लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल षडंगी ने गठबंधन सरकार पर हमला बोला, तो आइए सुनते हैं प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कहा। पिछले कुछ दिनों से झारखंड में चल रहा है जिस तरह के आरोप राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पर लगाए गए हैं केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा, और उसी संबंधित विषय से जुड़ा एक व्हाट्सएप का चैट जो कल ईडी के द्वारा सार्वजनिक भी किया गया है, और आप सबने हम सबने देखा कि उस चैट के कंटेंट क्या है, उस चैट में किन विषयों पर बात हुई, उसी से संबंधित विषयों पर आज मैं अपनी बातों को रखूंगा। सबसे पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जो आज ईडी की रिमांड में है, स्वघोषित युवाओं के सबसे बड़े भाग्य विधाता के रूप में अपने आप को स्थापित करने की उन्होंने कोशिश की। 2019 के चुनाव में जब झारखंड के युवाओं ने उनके हाथों में अपनी बागडोर दी थी, तो ये उम्मीद किया था कि एक रोल मॉडल के रूप में वो काम करेंगे और यहाँ के मूलवासी आदिवासी युवाओं की भावनाओं का कदर करते हुए स्थानीयता नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, राज्य में नियुक्तियां होंगी, 6 महीने में 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी, अन्यथा वो राजनीति से संन्यास लेंगे। 4 साल इस सरकार को हो चुके हैं, नौकरियों कितनी मिली ये सर्वविदित है, वो खुद ईडी के रडार पर है, ईडी के रिमांड में है, और संभवतः जिस तरह के कारनामे उनके राजनीतिक संरक्षण में, उनके सरकार के संरक्षण में इस सरकार ने किए हैं, उसकी सजा भी उन्हें जरूर मिलेगी। मैं सीधे मेला घोटाले की ओर जाऊंगा, उसके बाद हम लोग जमीन और अन्य विषयों पर जाएंगे, क्योंकि ये सीधा युवाओं से जुड़ा हुआ है। और कल के व्हाट्सएप चैट जो वायरल हो रहे हैं उसमें स्पष्ट है कि कई कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड माननीय मुख्यमंत्री के साथ सत्ता के दलालों ने साझा किए हैं, जिसका सीधा उद्देश्य था कि ऐसे लोगों का चयन कराना जेएसएससी में। जेएसएससी के संबंध में निम्नलिखित सवाल है मेरे पास, जो मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से पूछना चाहूंगा। आखिर कौन सी मजबूरी है जेएसएससी की कि पुलिस सेवा के अनुभव वाले अधिकारी को इसका चेयरमैन बनाया गया है, जबकि कई ऐसे अलग डोमेन्स हैं जिसके एक्सपर्ट्स को जेएसएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता था, जिनके अनुभव का लाभ इस राज्य की जनता को मिलता, यहाँ के छात्र छात्राओं को मिलता। दूसरा, जो केस किए गए हैं, जब पेपर लीक होता है, सालों से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं युवाओं में, जब ये भावना आती है कि उनके साथ छल हुआ है, कपट हुआ है, वो जब बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करते हैं उन पर केस किया जाता है, लेकिन जो संवैधानिक संस्था है जिसके माध्यम से ये पूरा कारनामा किया गया, उसके चेयरमैन पर एफआईआर क्यों नहीं होती है। तीसरा, जिस एजेंसी के बारे में जेएसएससी ने खुद कार्मिक विभाग को लिखा था, इस एजेंसी पर कई बार कार्रवाई हो चुकी थी, आखिर कौन सी मजबूरी के तहत उसी एजेंसी से इस परीक्षा को करवाया गया। चौथा, कई राज्यों में और झारखंड में भी पहले इस तरह के परीक्षाओं में प्रीलिम्स और मेंस की व्यवस्था अलग अलग रहती है, लेकिन इसे कंबाइन किया गया ताकि एक ही बार में जो सुनियोजित तरीके से चंद उम्मीदवारों को चयन करने के उद्देश्य से परीक्षा कराई जा रही थी, उसे एक ही बार में इस कारनामे को अंजाम दिया जा सके। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अगर आप क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस को देखें इस परीक्षा में, तो जो प्रश्न थे उनका स्तर जो चपरासी वर्ग की नौकरी होती है उस वर्ग की नौकरी के स्तर का उनका प्रश्नों का स्तर था, ताकि जब वो लीक हो तो बिना ज्यादा समय गवाए उनके उत्तरों की व्यवस्था की जा सके और जल्द ही उन उम्मीदवारों के पास उत्तर पहुंच सके, ताकि वो उसको कंप्लीट कर सके उसी समय सीमा के अंदर। और एक बहुत महत्वपूर्ण जिसके साक्ष मेरे पास है, मैं उपलब्ध करा सकता हूं, जनरल कैटेगरी से ही 80 नंबर लाकर लैब टेक्नीशियन के पद पर उम्मीदवार चयन होता है, और 100 साबित करने के लिए जो सत्र आयोजित हुआ था उस सत्र में आए थे, तो उन्होंने सदन के पटल पर एक बात कही कि ये जो 8.5 एकड़ जमीन की बात की जा रही है, अगर ये जमीन मेरे नाम पर साबित हो गई तो मैं ना केवल राजनीति से संन्यास लूंगा बल्कि झारखंड भी छोड़ दूंगा। क्रोनोलॉजी को समझिए, क्रोनोलॉजी ये है कि 7 अगस्त को जब पहला समन जाता है माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री महोदय को, तो उनसे कहा जाता है कि आपको 14 तारीख को आपको उपस्थित होना है, और 17 तारीख को राम कुमार पाहन नाम का एक व्यक्ति उसी बड़गाई सीओ के पास आवेदन देता है कि मेरी जो जमीन थी उसे गलत तरीके से जवाबदेही किया गया, उसकी
उसे रद्द किया जाए। ये शुरुआत होती है अगस्त महीने में जब उन्हें समान आने शुरू होते हैं, लेकिन लगातार इतने समझ को डॉच करने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि जब तक ये पूरा जमाबंदी रद्द नहीं कर दिया जाता है, उनका नाम वहां से क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक ये समझ का सामना नहीं करना चाहते। और इसी का परिणाम है कि आप देखिए जब दिल्ली में राजनीतिक जनता, ईडी, देश की जनता, मीडिया ढूंढ रही थी कि झारखंड के मुख्यमंत्री आखिर कहां लापता है, उसी 29 जनवरी को एहसान कोर्ट का आदेश होता है जमाबंदी को रिजेक्ट करने का और जो वास्तविक में खदान डाली है उसे वापस करने का। इसके 29 जनवरी के पीछे की दो तारीखें मैं जरूर आज मेंशन करना चाहूंगा जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी। 9 जनवरी को एहसान कोर्ट उसके ऑक्युपेंसी स्टेटस मांगता है उस लैंड की और उस पर जो सरकार ऑफिसर है वो जवाब ये देते हैं जाकर जमीन की जो वो देखते हैं जाकर वहां पर वो कहते हैं कि जमीन भूमिहारी है, इसे बेचा नहीं हो सकता, लेकिन पंचायतों में फिर भी 17 नाम है। और 11 जनवरी के बाद ठीक 29 जनवरी को जब पूरी दुनिया उन्हें ढूंढ रही है इसकी जवाबदेही रद्द की जाती है, जबकि स्पष्ट वहां पर जो 5-6 साल से जो व्यक्ति रह रहा है केयरटेकर के रूप में उसने स्पष्ट कहा है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी कई बार फिजिकली उस जमीन पर गए हैं, उन्होंने देखा है। तो कहीं ना कहीं अब जो बातें आ रही है ये स्पष्ट तौर पर कोई और नहीं बल्कि जिन पर राज्य के लोगों ने अपनी आकांक्षाएं अपनी उम्मीदें थोपी थी कि झारखंड को वो एक बेहतर राज्य बनाने की दिशा में आगे लेकर जाएंगे, उसी सीएमओ के संरक्षण में ये खनिज घोटाले, ये जमीन घोटाले, ये मेधा घोटाले और जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल, उस चैट में आप देखिएगा नो रिलेशन प्योर कमर्शियल लिखा गया है, नाउ तो देयर इज नो रिलेशन एट ऑल बट एवरीथिंग लुक्स सो कमर्शियल, एवरीथिंग लुक्स सो सीरियसली कमर्शियल, राइट फ्रॉम द ट्रांसफर पोस्टिंग टू द मेरिट स्कैम टू द माइनिंग स्कैम टू द लैंड स्कैम। तो तू इधर उधर की बात मत कर, बस ये बता काफिला क्यों लूटा, तेरी रहबरी से गिला नहीं, राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है। क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार ये बात कहते हैं, आज भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि वो कहते हैं कि कोई आदिवासी इनके बगल में बैठ जाए ये इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। मैं उनकी सूचना के लिए कहना चाहता हूं बहुत हो गया ये खेल, राज के युवाओं ने आपको सिर्फ एक आदिवासी होने के कारण आपको वोट नहीं दिया था, आप में उम्मीद देखी थी और जिस आरोप पर बार बार आप नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसी केंद्र सरकार ने इस देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति दिया जो हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख है। आपने देखा होगा जब अभी लोकसभा का सत्र हुआ उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री और कई सारे कैबिनेट के मिनिस्टर जा रहे थे उस सेंगोल को लेकर, समस्त पूरी दुनिया को इसका गौरव का एहसास हुआ कि भारत के ऐसा देश है जहां एक आदिवासी राष्ट्रपति के नेतृत्व में संवैधानिक प्रक्रिया चल रही है।